ऑलराइट, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पैंट के कुछ कलर्स जो आपके पास होना कंपलसरी अगर आपको क्लासी दिखना है तो। पर उस वीडियो में मैंने शर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए मुझे कुछ हमारे फैमिली मेम्बर से डीएम आए कि शर्ट के बारे में क्या। तो ये वीडियो स्पेसिफिक शर्ट के लिए डेडिकेटेड है। इस वीडियो में कुछ शर्ट के कलर बताने जा रहा हूँ आपको, जो आपके वार्डरोब में होना कंपलसरी है अगर आपको क्लासी और सबसे हटके दिखना है तो। पर मैं आपसे एक कहना चाहूँगा कि जो वीडियो में मैंने पैंट के कलर आपके साथ शेयर किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, यहाँ पर कार्ड में मैं उसका लिंक दे दूँगा, जाकर एक बार चेक करें। और वो जो बेसिक पैंट कलर है जिस शर्ट पर मैच करते ही, वही वाले शर्ट मैंने इस वीडियो के लिए चूज़ किए। तो माय नेम इज़ प्रतीक बोरुड़े, दिस इज सिंप्लीफाइड मेंस लाइफस्टाइल एंड ब्लॉगिंग चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते बेसिक सा कलर ब्लैक। ब्लैक देखो, आपके वार्डरोब में एक शर्ट, टी शर्ट और एनीथिंग एक ब्लैक कलर का होना ही चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर एक है जो आपको कोई भी स्किन टाइप हो उस पर मैच करता है। अगर आपका डार्क स्किन भी हो पर उस पर आपने अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन करके अच्छी एक पैंट पहनी, तो ब्लैक कलर भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से रॉक कर सकते हो। अगर आपको लगता है स्किन टोन मैटर करता है अच्छा दिखने के लिए, तो भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ब्लैक एक ऐसा कलर है, वर्सेटाइल कलर, जो सब पर काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आपके कलेक्शन में एक ब्लैक कलर की शर्ट होना कंपलसरी है, और ब्लैक कलर के साथ आप कुछ इस तरह के आउटफिट बना सकते हो। नंबर टू ऑन द लिस्ट इज वाइट, प्योर कॉटन वाइट। देखो, वाइट भी एक वर्सेटाइल कलर है जो आप काफ़ी अच्छी तरीके से कैरी कर सकते हो। नो 90% बॉयज़ के पास वाइट कलर की शर्ट होगी पर उसे मैच नहीं कर, कुछ अलग ही अजीब ही कलर कॉम्बिनेशन करते होंगे उसका, जो कि आपका ही कॉन्फिडेंस वो कम करता है। पर आपने कुछ इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन किए तो आप भीड़ में सबसे अलग दिखोगे। नंबर थ्री ऑन द लिस्ट इज़ नेवी ब्लू कलर, एक ऐसा वर्सेटाइल और बेसिक सा कलर जो आप काफ़ी अच्छे से पेयर अप कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो शेयर किया था इसी शर्ट को वेयर करते हुए। फ़ोटो पर मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए कि काफ़ी अच्छा शर्ट है, और काफ़ी पर्सनल डीएम्स भी आए कि शर्ट काफ़ी सूट कर रहा है। एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपकी एज 18 to 25 ईयर्स के बीच है तो आप कुछ ऐसे मिनिमल पैटर्न वाले शर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्राइमरी इसका कलर तो हुआ नेवी ब्लू, पर सेकेंडरी कलर जिस पर वाइट स्ट्रिप है, अगर आप 18 से 25 साल के हो तो आप कुछ इस तरह से पहन सकते हो। पर आप अगर 25 साल से ऊपर हो तो आपको पूरा प्लेन लेना होगा, क्योंकि नेवी ब्लू शर्ट को कुछ आप इस तरह से पेयर अप कर सकते हो जीन्स के साथ, चिनोस के साथ। नंबर फोर ऑन द लिस्ट इज़ वाइन कलर। देखो, ये सबसे पर्सनली मेरा फेवरेट कलर है, क्योंकि ये कलर जो है ना भीड़ में काफ़ी आपको अलग दिखाएगा और लोगों की नज़र आप पर ही रहेगी, अगर अगर आपने इसे अच्छी तरीके से कैरी किया तो। एक अगर आपने भीड़ में इस टाइप की शर्ट पहनी, इस कलर की शर्ट पहनी ना, सच में बता रहा हूँ, भीड़ में सबसे आप काफ़ी क्लासी दिखोगे और सबसे हैंडसम भी लगोगे। इस टाइप का शर्ट मैं काफ़ी फंक्शंस में वगैरह पहनता हूँ, जब भी मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाता हूँ तो काफ़ी अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स आती है। इस टाइप के शर्ट पर आप कुछ इस तरह के पैंट्स पहन सकते हो और कलर कॉम्बिनेशन भी एकदम क्लास वाला होगा। फिफ्थ ऑन द लिस्ट इज चेक्स पैटर्न। देखो, आप कोई भी चेक्स पैटर्न का शर्ट खरीदे, बट खरीदे, क्योंकि चेक्स पैटर्न वाला शर्ट जो है ना आपको आपको काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाएगा। और इस टाइप के शर्ट के साथ आप लेयरिंग भी कर सकते हो, अगर आप स्किनी गाय हो, आपके थोड़ी मसल कम है, लेयर अप करके काफ़ी अट्रैक्टिव दिखा सकते हो और काफ़ी मस्कुलिन भी दिखा सकते हो। पर एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी आप चेक्स का शर्ट खरीद रहे हो तो दो कलर में होना चाहिए, एक बेसिक सा और एक सेकेंडरी कलर। अगर तीसरा कलर हुआ भी उसमें तो काफ़ी मिनिमल सा होना चाहिए, क्योंकि तीन कलर हो गए ना वो काफ़ी आपको चाइल्डिश दिखाएगा, इसलिए दो ही कलर मैक्स रखिए, और तीसरा हो तो बस थोड़ी अमाउंट में हो। जैसे कि यहाँ पर मेरा बेसिक सा कलर है नेवी ब्लू, उसके बाद वाइट, और जो तीसरा कलर है वो येलो येलो, छोटी छोटी स्ट्रिप्स जो कॉम्प्लीमेंट करती है शर्ट को। बेसिकली इस शर्ट के साथ आप कुछ इस तरह के आउटफिट ट्राई कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा और पसंद आए। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर मंडे, वेनसडे और फ्राइडे को हर दिन न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। और आपको कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो, नीचे नीचे कमेंट भी कर सकते हो। मैं ब्लॉगिंग वगैरह भी करता हूँ, जाकर एक बार ब्लॉग की प्लेलिस्ट देखिए, नीचे पूरी प्लेलिस्ट की मैंने लिस्ट दे रखी है, आपको पसंद है वो जाकर एक बार प्लेलिस्ट देखिए। और इस चैनल पर जो भी मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मुझे ज़रूर बताएं। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, प्रतीक बोरुड़े साइनिंग आउट।